गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर सबका हार्दिक स्वागत। तो जो स्टूडेंट मेरा न्यू स्टूडेंट जो मेरा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि 10th क्लास के लिए एक एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो 5th चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया, उसमें 5.1, 5.2 और 5.3 कंप्लीट करवा दिया है। तो वो अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ तो उस वीडियो में देख के और प्ले लिस्ट में आपको कंटिन्यू वीडियो मिल जाएंगे। लेक्चर फर्स्ट से लेक्चर 8 तक आप कंटिन्यू वीडियो देख लेना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो और ये जो चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले एक वीडियो मैंने कल बना दिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लेक्चर सेकंड लिखा हुआ ना, उसमें लिखा हुआ है लेक्चर फर्स्ट क्लास 10th टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले वो वीडियो देखें, बाद में ये वीडियो देखें। नहीं, डायरेक्ट अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उनको मैं बताना चाहूंगा, ये समझ में नहीं आएगा आपके। तो ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने आपको बता दिया था। 13 तक क्वेश्चन जो बीच-बीच में जो मेन जो मेरे को लगता है कि वो क्वेश्चन जो ऐसे बताने जरूरी है वो मैंने बता दिए, और जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े वो आप अपने आप कर सकते हो। तो उनकी साइज प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं किया वो प्रैक्टिस करना इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 sin 30 sin² 60 + 3 cos 60 10 45 = 2 sec² 45 - 4 sec² 90। देखिए स्टूडेंट, इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दो ऑप्शन है, तो हमें लेफ्ट साइड को भी सोल्व करना है और राइट साइड को भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप लिखना टेक LHS। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को सोल्व कर लेंगे। लेफ्ट साइड कितना बनता है देखते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए 4 sin 30 degree, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कल आपको इंडेक्स बना के बताया था, आपने लर्न कर लिया होगी। लर्न नहीं किया तो साथ साथ में इंडेक्स में मैच कर देना। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 होती है, तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। प्लस 3 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की होगी, ये होगा 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। tan 45 1 होता है, कल आपको बताया था tan 45 और cot 45 दोनों 1 होते हैं, तो ये 1। तो अब इसको सॉल्व कर लें कितना बनता है। ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2। अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 2 ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ये देखिए क्या हुआ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बना, 3 × 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, और इधर कितना बन जाएगा 3/2। तो 6/4 को भी क्या लिख सकते हैं 3/2 + 3/2, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा 3 + 3 = 6 बन जाएगा 6/2, और ये कितना आ गया 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 की लेफ्ट साइड को जब सॉल्व किया तो कितना बना 3 बना। अब किसको सॉल्व करेंगे राइट साइड को, तो आप क्या लिखोगे टेक RHS, तो RHS को सॉल्व कर लो 2 sec 45। तो देखिए स्टूडेंट sec 45 क्या होता है, देखिए आपको मैं बता देता हूं कैसे आपको पता लगाना है। cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, सबको पता है cos 45 1/√2 होता है। तो sec 45 क्या होगा, sec 45 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1, तो √2 लिख देंगे। तो यहां वैल्यू पुट कर दें sec 45, तो √2 और sec का स्क्वायर है तो इसका भी यहां पे क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया ये माइनस cosec² 90। तो cosec² 90 जब आपको देख रहे हैं तो आप पहले ये देख लो sin 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो कोसेक 90 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोसेक 90 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 होगा, तो यहां पे क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, ये कोसेक 90 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 × 2 ये क्या हो जाएगा 4 - 1, और ये क्या आ गया 3 आ गया। तो देखिए लेफ्ट साइड 3 था और राइट साइड भी कितना है 3 है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबकी समझ में आ गया होगा लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको बार बार उस पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना आप सब लोग जानते हो कि किस तरह से सब्सक्राइब करते हैं, ये तो इतना तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि वीडियो में बताते ना कि इस लाल जो सब्सक्राइब लिखा हुआ वहां पे क्लिक कीजिए, आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 अभी मैंने करवाया है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
तो इसमें देखिए 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 15 जो है वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम जो अभी बताया मैंने उसी तरीके से लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी कैलकुलेशन इसमें पुट करके सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 सेम एक ही तरीके की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैं करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 तक स्टूडेंट आप सॉल्व करना, और अगर किसी के कोई डाउट रहे तो कमेंट में लिख के बता देना आप। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इफ x इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इफ x इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट, प्रूव करना इसमें अलग अलग पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या देखिए, फर्स्ट पार्ट ये साइन 3x इक्वल टू, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। 3 ये साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x ये। तो देखिए ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से सॉल्व करना देखिए ध्यान से समझना इसको। x इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, तो इसमें आपको क्या करना है, x को 30 डिग्री पुट कर दो। तो x को 30 डिग्री पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन 3 और x दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 33 से मल्टीप्लाई होगी कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। ये 30 और 3 मल्टीप्लाई होगी 90 बन गया, ये हो गया साइन 90। फिर 3 साइन x की जगह पुट कर दो साइन 30 माइनस 4 साइन 30 x की जगह और ये साइन का क्यूब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो साइन 90 कितना होता है सबको पता है, साइन 90 होता है 1, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 1/2 माइनस अगेन साइन 30, तो साइन 30 कितना होगा 4, साइन 30 होता है 1/2 और उसका क्यूब दे रखा है, तो यहां भी ये क्या हो जाएगा क्यूब हो गया ये। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं, 3 1/2 तो ये हो गया 3/2 माइनस इसका क्यूब करना है 4 इंटू 1/2 इसका ये क्यूब है ये, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, तो ये देखिए क्या बन जाएगा 4/8 बन जाएगा, और 4/8 को आप क्या लिख सकते हो 3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2, समझ गए ना, 4/8 को 1/2 लिख दिया मैंने, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 2 3 माइनस 1 होगा, और 3 माइनस 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2/2 क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड इधर कितना था, लेफ्ट साइड भी तो 1 था ना, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ये आ गए इक्वल आ गए। तो इसका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से करना था, आपको जो गिवन है ये है इसके इक्वल ये प्रूव करना है, जो गिवन है वो नोट करना, पहले x की वैल्यू 30 डिग्री है तो x की जगह 30 डिग्री पुट करके और फिर सॉल्व कर लो, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 2x इक्वल टू 2 tan x, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan 2x इक्वल टू कितना है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो क्वेश्चन जो यहां जो ये स्टेटमेंट जो इसके 3 पार्ट है 1 2 और 3 इसमें सब में सेम रह गई है, तो x इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, तो x की जगह 30 पुट कर दो, तो x की जगह 30 पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30 इसका स्क्वायर है, तो tan 30 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, tan 60 कितना √3, 2 tan 30, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस tan 30, tan 30 1 अपॉन √3 और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर कर दिया इसका, तो लेफ्ट साइड में तो कोई सॉल्व करना नहीं है √3 बन रहा है, राइट साइड में देखिए 2 into 1 upon under root 3 इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं 2 upon under root 3, 1 minus 1 upon under root 3 का स्क्वायर क्या होगा 1 upon 3 होगा, तो आप देखिए आगे क्या बन जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में 3 था, राइट साइड हम सॉल्व करें न्यूमरेटर में था 2 upon under root 3, तो 1 minus 1 upon 3 इसका स्टूडेंट आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो यहां मिलेगा 3 minus 1, तो ये हो जाएगा 2 upon under root 3 equal to 2 upon under root 3, ये यहां पे under root 3 था, ये 3 minus 1 क्या होगा 2, 2 upon under root 3, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये 3 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
यहाँ पे अपने पास ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल और ये कितना आ गया अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3, LHS इक्वल टू RHS ये बन गया। और यहाँ पे ये ध्यान रखना 1 2 3 और 4 है तो फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ क्या था 1 था ये कैंसिल हो गया 1 इंटू 3 ऊपर 3 आ गया, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होते हैं अंडर रूट 3 और ये यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो 1 था, इस तरह से ये लिख दिया तो ये क्या बन गया लेफ्ट साइड और राइट साइड के आगे इक्वल आ गए। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है 1 2 3, तो आगे फोर्थ पार्ट हो रहा है तो इसमें आगे वाले थर्ड और फोर्थ जो है ना इसी तरीके से स्टूडेंट जो मैंने बताया ना सेम ऐसा के सेम मेथड है, एकदम इजी क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस करना सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट कैसे करना है। इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट cot a minus b equal to cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a, ये प्रूव करना है। तो a को कितना प्रूव करना है देखिए, जहां पे a है वहां 60 प्रूव कर दो, तो ये लिखोगे आप cot 60 डिग्री माइनस b की जगह कितना प्रूव करना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री प्रूव कर दिया तो cot a कितना हो गया cot 60 डिग्री b 30 तो ये cot 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट बी, तो कोट बी कितना है कोट 30, बी की जगह 30 पुट कर दिया, कोट ए ए की जगह क्या पुट करना है 60 पुट करना है, तो कोट 60 माइनस 30 कितना होगा कोट 30 हो गई, ये हो गया कोट 30 डिग्री, 60 माइनस 30 कोट 30, तो कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट अगर नहीं याद रहे तो ऐसे देख लेना, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, जो वैल्यू tan 30 की होती है वही किसकी होती है cot 60 की होती है, तो cot 60 कितना 1 upon under root 3 into cot 30, तो cot 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है जो tan 60 की वैल्यू होती है वही, और ये कितना होता है under root 3 होता है, तो ये under root 3 plus 1 upon cot 60 कितना 1 upon under root 3, cot 30 कितना under root 3 plus 1 cot 30, तो cot 30 यही पे अभी लिखा था ये अंडर रूट 3 माइनस cot 60 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो cot 30 इधर भी cot 30 की वैल्यू पुट करनी होगी, cot 30 कितना है अंडर रूट 3, तो ये इधर अंडर रूट 3 ये पुट कर दिया हमने, फिर देखिए क्या बनेगा ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 तो हो जाएगा कैंसिल और ये यहां पे कितना बनेगा 1 प्लस 1 यहां पे बन जाएगा ये 2, देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया यहां पर बनेगा 1 प्लस 1 ये क्या बन गया 2 बन गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा एलसीएम आएगा इन दोनों का अंडर रूट 3, तो यहां पे क्या बन जाएगा ये 3 माइनस 1, इसके यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसका मतलब हम 1 ले रहे हैं यहां पे 1 और अंडर रूट 3 का एलसीएम क्या आएगा अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा 3 और यहां पे क्या हो जाएगा 1, तो ये देखिए क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 इक्वल टू 2 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 3, देखिए ये दोनों साथ में है तो ये अंडर रूट 3 यहां ऊपर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 यहां ऊपर आ गया ये 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और इधर कितना आ गया अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 जो था वो हमें प्रूव करना था लेफ्ट साइड के इक्वल में राइट साइड, तो ये हमें इस तरह से इसको एक बार प्रूव कर दिया। तो ये जो एक्सरसाइज जो 6 थी ये कंप्लीट हो गई है, मिसलेनियस की जो 2-4 जो हार्ड क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे वो मैं बता दी चैप्टर कंप्लीट कर देता हूं आज ही, तो बीच बीच में जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताए स्टूडेंट उनकी प्रैक्टिस करना, आप ये नहीं कि मैंने जो जितने क्वेश्चन करवाए आप उतने ही करो, क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, प्रैक्टिस करोगे सभी क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने आपको ये भी कहा था कि फेल में काम कर लेना आप, तो मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं वो तो कंटिन्यू काम कर रहे होंगे, जो न्यू स्टूडेंट कोई वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ आप घर बैठे हो तो टाइम का सही यूज हो जाए, तो इनके लिए भी आप अलग से जो होमवर्क करते रहना इसका कंप्लीट तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो नेक्स्ट मिसलेनियस में क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो जो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि आप नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा।
मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 देन प्रूव दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो ये cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 ये हमने देखे किस तरह से सॉल्व करना है इसको, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट आप ये बताइए कि cos में 1 अपॉन अंडर रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, तो आप इंडेक्स में देख लो, अगर याद नहीं है तो ये आपको डायरेक्ट पता होगा कि cot 60 1 upon under root 3 होता है, तो 1 upon under root 3 किस जगह आप उत्तर दिया मैंने cot 60। तो अब इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए अपने पास क्या गिवन है, 1 minus cos square theta upon 2 minus sin square theta ये गिवन है अपने पास है। तो हम क्या करें, इसकी जगह थीटा की जगह 60 पुट कर दें, तो ये होगा 1 माइनस cos 60 और यहां पे इसका स्क्वायर अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर 60, ये हो गया। क्या करना है, थीटा की जगह दोनों जगह 60 पुट कर दो, और अब देखिए आगे क्या करना है, 1 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू वही तो होती है जो sin 30 की होती है, sin 30 कितना होता है 1 अपॉन 2 होता है, और इसका स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 माइनस साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 अपॉन 2, और इसका क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो गई। तो अब क्या करेंगे आगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 4 होगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो अब देखिए आगे इसको एलसीएम में भी सॉल्व कर लें, 1 माइनस 1 अपॉन 4 क्या होता है 3 अपॉन 4 होता है, अपॉन ये कितना जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 4, तो 2 माइनस 3 अपॉन 4 को जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा 4 आएगा, और इधर कितना हो जाएगा ये फिर 8 माइनस 3, और ये हो गया 3 अपॉन 4, 8 माइनस 3 क्या होगा 5, 5 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 3 अपॉन 5 आ गई अपने पास 3 अपॉन 5। तो 3 अपॉन 5 में तो इसको प्रूव करना था। तो अब देखिए स्टूडेंट मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चन जो है आगे 70 तक क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें ये कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, इसके जो मेन मेन जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगे कोई भी एग्जांपल में कमेंट में लिख के बताना। अब जो फिफ्थ चैप्टर के लिए कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे डाउट बताने, तो कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा, कल जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एपी के जो डाउट है आपके उन डाउट का वीडियो बनाऊंगा मैं। तो 5-10 क्वेश्चन स्टूडेंट के डाउट में आ रहे हैं, कोई एग्जांपल है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको दोबारा बताना। तो कल का जो वीडियो होगा वो एपी के डाउट का वीडियो होगा, और ये चैप्टर कंप्लीट है और इसको आराम से कर लेना, इसके जो भी डाउट है आप कमेंट में लिख देना, तो मैं जैसे ही मेरे अकॉर्डिंग इसके जो डाउट होंगे उनका एक वीडियो और बना दूंगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ डाउट मिलेगा तो वो आपको पता चलेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा। तो एक बार फिर से जो न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो YouTube चैनल जो है ये 10th और 12th के वीडियो के लिए है, तो आप 10th क्लास में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। और अगर फैमिली में आपके कोई 12th क्लास में भी है, आपके फैमिली में कोई आसपास में, तो उनको भी बताना ये, तो 12th के भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो उनके भी घर बैठे ये फायदा हो जाए। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे होंगे। तो ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। थैंक्स।